अर्जुन रामपाल, एक ऐसा अभिनेता जिसकी शख्सियत ने उसे लोगों का चहीता बना दिया। अपने शानदार लुक से अर्जुन रामपाल लड़कियों के दुलारे बन गए। इनकी दमदार आवाज ने कईयों को इनका दीवाना बना दिया। एक जमाने में प्रोफेशनल मॉडलिंग का बहुत बड़ा नाम रहे अर्जुन रामपाल आज फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं। किस्सा टीवी आज आपको बेहद हैंडसम, बेहद डैशिंग अर्जुन रामपाल की बायोग्राफी बताएगा। अर्जुन रामपाल की जिंदगी के कई अनसुने और अनछुए पहलुओं को आज हम और आप जानेंगे। अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। ये आर्मी बैकग्राउंड से थे। इनके पिता अमरजीत रामपाल एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि इनकी मां ग्वेन एक पंजाबी सिख परिवार से थी। अर्जुन की नानी एक डच थी और इनके नाना ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह भी इंडियन आर्मी में ही थे। ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने ही आजाद भारत की पहली इन्फेंट्री गन डिजाइन की थी। एक वक्त पर अर्जुन भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे और कहते थे कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लेंगे। अर्जुन से छोटी उनकी एक बहन भी है जिनका नाम कोमल रामपाल है। अर्जुन की मां ग्वेन पेशे से एक टीचर थी और महाराष्ट्र के नासिक शहर के देवलाली में मौजूद सेंट पैट्रिक स्कूल में नौकरी करती थी। अर्जुन की शुरुआती पढ़ाई वहीं पर हुई थी। अर्जुन और उनकी बहन छोटे ही थे जब इनके माता पिता तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। माँ ग्वेन ने ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश की थी। सेंट पैट्रिक के बाद अर्जुन ने कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला लिया और वहाँ 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद अर्जुन रामपाल दिल्ली आ गए और यहाँ हिंदू कॉलेज से उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। एक और बात जो अर्जुन को खास बनाती है वो ये कि अर्जुन खेल कूद में भी बहुत बढ़िया थे। स्कूल के दिनों से ही ये बढ़िया एथलीट माने जाते थे। कॉलेज के दिनों में भी ये स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। आलम ये था कि कभी आर्मी में जाने का सपना देखने वाले अर्जुन खेलों में अपना करियर बनाने की प्लानिंग करने लगे थे। उस वक्त तक अर्जुन ने दूर दूर तक भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये मॉडलिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। अर्जुन के लुक्स की चर्चा इनके कॉलेज में खूब होती थी। कॉलेज में इनका फ्रेंड सर्किल बहुत ज्यादा बड़ा था। कॉलेज के एक फ्रेंड की पार्टी में ही इनकी किस्मत ने इन्हें मॉडलिंग की तरफ लाने का रास्ता तैयार कर दिया। दरअसल अपने जिस दोस्त की पार्टी में ये उस दिन शरीक हुए थे उसमें जाने माने फैशन डिजाइनर रोहित बल भी आए थे। पार्टी में रोहित बल ने इन्हें देखा और वो इनके लुक्स के कायल हो गए। वहीं पर रोहित बल ने इनसे बात की और इन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। रोहित बल की वो सलाह अर्जुन को भी बहुत पसंद आई और अगले ही दिन से ये खुद को मॉडल की तरह ग्रूम करने लगे। कुछ महीनों बाद ही अर्जुन को कई बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। देखते ही देखते अर्जुन रामपाल मॉडलिंग इंडस्ट्री के नामी मॉडल बन गए। कई बड़े ब्रांड्स के लिए अर्जुन रामपाल को रैंप वॉक करने के मौके मिलने लगे। साथ ही साथ अर्जुन को एडवर्टाइजमेंट्स भी मिलने शुरू हो गए और कुछ ही महीनों में अर्जुन रामपाल एक न्यूकमर मॉडल से सुपर मॉडल बन गए। कई फैशन मैगजीन्स ने अर्जुन रामपाल को अपने कवर पेज पर जगह दी थी। ऐसी ही एक मैगजीन के लिए एक दिन अर्जुन फोटोशूट कर रहे थे जब दिग्गज सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता की नज़र इन पर पड़ी। ये वो वक्त था जब अशोक मेहता फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाने की प्लानिंग कर रहे थे। अशोक उन दिनों मोक्ष और जड़ नाम की दो फिल्में शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे। अशोक मेहता ने अर्जुन रामपाल के साथ अपना डायरेक्शन करियर शुरू करने का प्लान बनाया। अर्जुन इन फिल्मों में काम तो करना चाहते थे लेकिन उन्हीं दिनों वो न्यूयॉर्क में अपने कुछ प्रोजेक्ट्स निपटाने के लिए जाने वाले थे। साथ ही न्यूयॉर्क के एक एक्टिंग स्कूल से अर्जुन ने एक्टिंग की बारीकियां भी सीखने का प्लान किया हुआ था।
अर्जुन एक साल का वक्त अशोक मेहता से लेकर न्यूयॉर्क निकल गए। फिर जब अर्जुन भारत वापस लौटे तो यहाँ आकर भी उन्होंने कुछ एक्टिंग वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया था और डांस क्लासेस भी ज्वाइन की। अर्जुन का करियर शुरू तो मोक्ष से होने वाला था, लेकिन इसी बीच नामी डायरेक्टर राजीव राय ने उन्हें अपनी फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत के लिए साइन कर लिया। क्योंकि ये एक बड़े बजट की फिल्म थी तो अर्जुन ने अपना करियर इसी फिल्म से शुरू करने का फैसला किया। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो अर्जुन रामपाल की आँखें खुल गई, या कहना चाहिए कि अर्जुन रामपाल को दिन में तारे नजर आ गए। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। लोगों ने अर्जुन रामपाल की एक्टिंग की बहुत ज्यादा आलोचना कर दी। इतना ही नहीं, कईयों ने तो अर्जुन रामपाल की एक्टिंग की तुलना फर्नीचर तक से कर दी। अर्जुन को एहसास हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लुक्स केवल कुछ दिनों तक ही आपको चर्चाओं में रखते हैं। अगर आपको एक्टिंग करनी नहीं आती तो फिर आपके लुक्स किसी काम के नहीं हैं। साथ ही आपको फिल्में भी बहुत सोच समझ कर साइन करनी पड़ती हैं। पहली फिल्म के बाद अर्जुन की दूसरी फिल्म आई मोक्ष, जिसमें उन्हें अशोक मेहता ने साइन किया था। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। अर्जुन की तीसरी फिल्म दीवानापन का भी बहुत बुरा हश्र हुआ। अर्जुन की चौथी फिल्म थी आंखें, और ये फिल्म ठीक ठाक रही थी। लेकिन इस फिल्म में अमिताभ, अक्षय, परेश रावल और सुष्मिता सेन जैसे दिग्गज स्टार्स भी थे, तो अर्जुन को कुछ खास फायदा इस फिल्म से नहीं हुआ। अर्जुन ने कुछ और बड़े बजट की फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता, तहजीब, असंभव, ऐलान, वादा, यकीन, एक अजनबी, हमको तुमसे प्यार है, डरना जरूरी है, डॉन, अलग और हनीमून ट्रेवल्स। लेकिन ये सभी फिल्में या तो फ्लॉप रही या फिर अर्जुन का रोल सपोर्टिंग एक्टर का रहा। अपने अब तक के करियर में अर्जुन कई फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी। मगर इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी थी जिसमें अर्जुन रामपाल के लिए आगे का रास्ता तैयार हो रहा था। ये फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना, जिसमें अर्जुन रामपाल ने एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। इसी फिल्म से अर्जुन रामपाल की दोस्ती शाहरुख खान से हो गई थी। इस दोस्ती का फायदा अर्जुन को ये हुआ कि शाहरुख ने उन्हें डॉन में भी एक मजबूत रोल दिलाया। ये पहला रोल था जिसमें अर्जुन रामपाल की सबसे ज़्यादा तारीफें हुई थी। शाहरुख खान ने ही अर्जुन रामपाल को ओम शांति ओम में काम दिलाया था। बस फिर क्या था, अर्जुन बॉलीवुड के ए क्लास स्टार्स में शुमार हो गए। अर्जुन की अगली फिल्म थी रॉक ऑन, जिसमें इन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग की थी। इस फिल्म के लिए ही अर्जुन को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और इसी कैटेगरी में नेशनल अवार्ड भी मिला था। शाहरुख खान संग अर्जुन की दोस्ती हर दिन परवान चढ़ती जा रही थी। क्योंकि शाहरुख खान आईपीएल में केकेआर टीम के मालिक बन चुके थे, तो उन्होंने अपनी टीम की 25 पार्टियां ऑर्गेनाइज कराने का कॉन्ट्रैक्ट अर्जुन रामपाल और उनकी पत्नी मेहर जेसिया की कंपनी चेजिंग गणेशा को दे दिया। इसके बदले अर्जुन रामपाल को शाहरुख खान ने 25 करोड़ रुपए दिए थे। आईपीएल के अलावा भी केकेआर के जो इवेंट्स होते थे उनकी पार्टियों का जिम्मा भी अर्जुन रामपाल की कंपनी पर ही था। इन पार्टियों में फैशन शोज भी होते थे। इन पार्टियों की चर्चा खूब होती थी, लेकिन चर्चाओं के साथ ही इन पार्टियों की बदनामी होनी भी शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इन पार्टियों में नशेबाजी और लड़कियों की सप्लाई भी होती है। इन पार्टियों में क्रिकेटर्स भी शरीक होते हैं, इससे उनका ध्यान मैचों पर कम और इन पार्टियों पर ज्यादा होता है।
आखिरकार साल 2010 में इन पार्टियों पर पूरी तरह फुल स्टॉप लग गया। लेकिन इसी दौरान अर्जुन रेस्टोरेंट्स के बिजनेस में उतर चुके थे। उन्होंने अपने कुछ रेस्टोरेंट्स शुरू कर लिए, यानी एक्टिंग से इतर अर्जुन अब दूसरे बिजनेसेस में भी अपनी किस्मत आजमाने लगे थे। अर्जुन की किस्मत बिजनेस में उनका खूब साथ दे रही थी, वहीं उनका फिल्मी करियर भी बढ़िया चल रहा था। हाउसफुल, राजनीति और वीआर फैमिली जैसी बड़ी व चर्चित फिल्मों में अर्जुन ने काम किया था। लेकिन राजनीति को छोड़कर बाकी दोनों फिल्में बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई थी। एक बार फिर अर्जुन का करियर उस मोड़ पर था जहां उन्हें एक हिट फिल्म की बहुत ज़्यादा दरकार थी। इसी वक्त पर शाहरुख खान ने अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म रावण बनाने का ऐलान किया। अर्जुन ने शाहरुख से डिमांड की कि इस फिल्म में मेन विलेन का रोल उन्हें दिया जाए। दोस्ती निभाते हुए शाहरुख ने रावण के मेन विलेन का रोल जीवन अर्जुन को दे दिया। लेकिन फिर इसी फिल्म के बाद ही अर्जुन और शाहरुख की दोस्ती में दरार भी पड़ गई। दरअसल फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी एक कैमियो में नजर आई थी। उन दिनों शाहरुख और प्रियंका के अफेयर की खबरें भी काफी आ रही थी। रावण की रिलीज के बाद अर्जुन रामपाल ने शाहरुख पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि उन्होंने प्रियंका के कैमियो पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और उनका रोल काफी ज्यादा काट दिया। इतना ही नहीं, कहा ये भी जाता है कि अर्जुन ने अपनी दोस्ती निभाते हुए शाहरुख को प्रियंका से दूर रहने की सलाह भी दी थी। लेकिन शाहरुख को अर्जुन की ये सलाह उस वक्त काफी बुरी लगी थी। शाहरुख से दोस्ती खराब होने के बाद गौरी खान और करण जौहर से भी अर्जुन की दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रही। इसी बीच ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने जब डाइवोर्स लिया तो इसमें भी अर्जुन रामपाल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। कहा जा रहा था कि अर्जुन और सुजैन खान का अफेयर चल रहा है, इसलिए ऋतिक ने सुजैन से तलाक लिया है। इसी बीच अर्जुन रामपाल पर उनके रेस्टोरेंट का किराया ना चुकाने का आरोप भी लगा। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर तो उन पर मुकदमा भी हो गया। कहा गया था कि पिछले 2 सालों से अर्जुन ने रेस्टोरेंट का किराया नहीं दिया है, जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अर्जुन रामपाल बैंकरप्ट हो गए हैं। इस दौरान अर्जुन रामपाल कुछ बड़ी फिल्मों में जरूर नजर आए, लेकिन उनकी ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी। कुल मिलाकर एक बार फिर अर्जुन रामपाल बहुत मुश्किल वक्त में फंस चुके थे। सुजैन खान संग उड़ी अफेयर की खबरों से पत्नी मेहर जेसिया से भी उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मेहर घर छोड़कर अपने माता पिता के पास रहने लगी थी। जिंदगी के ज़्यादातर मोर्चों पर मुश्किलों में फंसे अर्जुन रामपाल ने डैडी नाम की एक फिल्म बनाई। ये फिल्म उन्होंने खुद लिखी थी और खुद ही इसमें एक्टिंग भी की थी। साथ ही साथ फिल्म को प्रोड्यूस भी अर्जुन ने खुद ही किया था। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई और अर्जुन की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई। अर्जुन रामपाल हर तरफ से मुश्किलों से घिरे थे। उनका करियर ठीक नहीं चल रहा था। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। उनका बिजनेस डूब रहा था। ऐसे में वो हर तरफ से खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। लेकिन इस अकेलेपन में अर्जुन का साथ दिया साउथ अफ्रीकन मॉडल गैब्रिएला ने। अर्जुन आईपीएल के दिनों से ही गैब्रिएला को जानते थे। गैब्रिएला एक चीयर लीडर थी और आईपीएल की पार्टियों के दौरान अर्जुन से उनकी जान पहचान हुई थी। कहा जाता है कि पत्नी मेहर जेसिया संग जब अर्जुन का रिश्ता खराब होना शुरू हुआ था, उसी वक्त से अर्जुन गैब्रिएला के नज़दीक जाने लगे थे और फिर ये नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ी कि गैब्रिएला प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जबकि उस वक्त तक अर्जुन और मेहर का तलाक भी नहीं हुआ था। 2019 में गैब्रिएला ने अर्जुन के बेटे को जन्म दिया था, जबकि इस वक्त तक अर्जुन और गैब्रिएला ने शादी भी नहीं की थी। यहाँ तक कि आज भी दोनों बिना शादी के ही लिव इन रिलेशन में हैं। इनके बेटे का नाम अरिक रामपाल है, जबकि पहली पत्नी मेहर जेसिया से अर्जुन की 2 बेटियाँ हैं, जिनके नाम हैं मायरा और माहिका। इन दिनों अर्जुन अपने कुछ फिल्मों की तैयारियों में लगे हैं।
इनमें सबसे ज्यादा चर्चित है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, जिसमें अर्जुन रामपाल सिद्धार्थ महार के किरदार में नजर आने वाले हैं। अर्जुन की एक तेलुगु फिल्म भी इन दिनों फ्लोर पर है। साथ ही और कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें अर्जुन रामपाल भविष्य में हमें नजर आने वाले हैं। द फाइनल कॉल और लंदन फाइल्स नाम की दो वेब सीरीज में भी अर्जुन रामपाल नजर आ चुके हैं। साथ ही कुछ रियलिटी शोज में भी ये जज और होस्ट की भूमिका में हमें नजर आ चुके हैं। कहा जा सकता है कि अर्जुन में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पोटेंशियल को कभी भी खुलकर सामने आने का रास्ता मिल ही नहीं सका। किस्सा टीवी अर्जुन रामपाल के बेहतर भविष्य और शानदार फिल्मी सफर की कामना ईश्वर से करता है। जय हिंद।